नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, नींबू की मदद से तुरंत साफ करें अपना घर। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत यानी नींबू को स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है दोस्तों, विशेष तौर पर पेट संबंधी समस्याओं और त्वचा के सौंदर्य के लिए नींबू का प्रयोग अनेक तरीकों से किया जाता है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर को साफ करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अनेक तरीकों से। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं दोस्तों। माइक्रोवेव की सफाई के लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप घरेलू और सस्ते उपाय से आसानी से साफ कर सकते हैं दोस्तों। माइक्रोवेव में एक कटोरे में 2 कप पानी भरें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालें। अब माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए चलाकर छोड़ दें, फिर टॉवल की मदद से सारी गंदगी पोंछ लें। इससे माइक्रोवेव साफ होने के साथ साथ महकने भी लगेगा दोस्तों। शीशे के दरवाजे और खिड़कियों की सफाई। अपने घर की खिड़कियों पर लगे सफ़ेद पानी के दाग, शीशों के दरवाजों, यहाँ तक कि अपनी कार के शीशे को भी आप केवल नींबू की मदद से साफ कर सकती हैं। नींबू में पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड की मदद से यह काम करना आसान हो जाता है दोस्तों। फ्रिज की सफाई। फ्रिज को भी समय समय पर साफ करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसे साफ करने के लिए कॉटन बॉल्स को नींबू के रस में डुबोएं और उन्हें फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रखा हुआ छोड़ दें। फ्रिज में लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए नींबू को आप आधा काट लें और फिर उस पर थोड़ा नमक लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़ें। इस तरह दाग धब्बे तो दूर होंगे ही, नींबू के रस की वजह से फ्रिज से आने वाली दुर्गंध भी दूर हो जाएगी दोस्तों। पीतल की सफाई। आप पीतल के बर्तन, मूर्तियां या सजाने के किसी भी सामान को नींबू से आसानी से साफ कर सकते हैं। पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए आपको नींबू को आधा काट कर और इस पर नमक छिड़क कर बर्तनों पर रगड़ना होगा। ऐसा करने से पीतल चमकने लगता है दोस्तों। किचन की सफाई। सिंक से चिपचिपे ग्रीस को हटाने के लिए आपको कई बार गर्म पानी से धोना पड़ता है, लेकिन अगर आप सिंक को आसानी से साफ करना चाहते हैं तो नींबू को नमक में निचोड़कर गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसको साबुन के घोल के साथ मिलाकर सिंक की स्क्रब के साथ सफाई करें। उस समय इस उपाय को अपनाने से सिंक चमकने लगता है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा दोस्तों नुस्खा आप सभी के लिए कि नींबू का अन्यत्र यूज आप कैसे कर सकते हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।